साहब अजीत चौधरी की हालत ख़राब है बहुत ज़्यादा। अब आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत बार करा मैंने, बहुत बार जब भी मैं कहीं फंस जाता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ अब इसको करने के बाद मैं इसको भी उतार दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं आपको ड्राइविंग भी ऐसे ही करके दिखाऊँगा नॉर्मल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? एकदम मस्त ना दोस्तों? मस्त तो हम भी हैं, लेकिन कब कभी बन रही है ठंड में। आप मौसम देख रहे हैं कैसा हो रहा, सूरज देवता ने तो सुबह से दर्शन ही नहीं दिए हैं और गाड़ियों की भी लाइट जली हुई है, ऐसी हालत है क्योंकि दूर का दिखता नहीं है और डर लगता था लोगों को कि कहीं कोई ठोक ना दे सामने, तो इसलिए ज़्यादातर लोगों ने अपनी लाइट जला रखी है। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि ठंड बहुत ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा ठंड है कि अब मुझसे बाइक नहीं चलाई जा रही है, जाना पड़ा था इमरजेंसी के लिए मुझे, लेकिन अब याद आ रहे हैं कि बाइक से आके बहुत बड़ी गलती कर दी है, आज कार से ही आना चाहिए था कायदे में। लेकिन शौक बड़ी चीज़ें वाली बात है, अपने साथ अपने को लगती बाइक ही अच्छी है, क्या है 10 किलोमीटर जाना हो चाहे 1000 किलोमीटर जाना हो, तो आज हो बहुत बड़ी गलती गई है। क्या गली गलती होगी मैं इसे साइड में लगाता हूँ तब आपको बताता हूँ कि हो क्या गया आज हमसे। भाई साहब अजीत चौधरी की हालत ख़राब है बहुत ज़्यादा। आज फिर वही वाली गलती करती है जो पहले करी थी एक बार। अभी आप देखें सुबह का मौसम है, कोई कह देगा इस टाइम 11 बजे? हाँ, ऐसा लग रहा है कि शाम हो गई है, 6 या 7 बज चुके हैं, मौसम ऐसा हो रहा है। सुबह से ये नहीं पता कि सूरज देवता है कहाँ, और टेम्परेचर मैं समझता हूँ आई थिंक 5-6 टेम्परेचर होगा जहाँ तक उम्मीद है। तो हालत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मैंने अगर मैं आपको दिखाऊँ मैंने खुद 2-2 जैकेट पहन रखी है, इसके नीचे भी है शर्ट है फिर इनर भी है, लेकिन ठंड नहीं रुक रही है। ऊपर ये भी लगा रखा है, सर बच जाता है क्योंकि हेलमेट लगा रखा है तो सर तो बच जाता है, हाथ ही बच जाते हैं थोड़े बहुत कि ग्लव्स पहन रखे हैं, अच्छे ग्लव्स हैं तो उंगलियां भी बच जाती हैं, लेकिन ठंड फिर भी नहीं रुकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा ठंड जब बाइक चलाते हैं तो हमें लगती है यहाँ पर। यही गलती मैं पहले भी कर दिया था और आज भी, मुझे नहीं पता था कि इस तरह से ठंड हो जाएगी रास्ते में। जब घर से चले थे तो ये था कि यार 2 जैकेट पहन ही लिए अब कहाँ ठंड लगेगी, लेकिन बाहर रोड पे आपकी हालत ख़राब हो गई है। तो अपना वही जुगाड़ करके चलता जो मैंने करता हूँ, आज मैं वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। मुझे एकदम से याद आ गई क्यों ना अपने एक्सपीरियंस को आपकी सेहत भी शेयर कर सकूँ। बोला भी नहीं जा रहा, बहुत किड़किड़ी बन चुकी है बहुत ज़्यादा। तो एक वैसे तो 4 रुपये का जुगाड़ है, लेकिन आपके घर में पड़ा हो तो उसके 50 पैसे मान लो, 1 रुपये मान लो, वैसे 50 पैसे से ज़्यादा की कीमत नहीं रहती, रद्दी हो जाता है। तो वो जुगाड़ मैं आपके साथ करता हूँ, तो आप ठहरे मैं देखता हूँ कहाँ मिल सकता मुझे वो जुगाड़, देखा किसी का रेजिडेंस है यहाँ पर, तो मैं 1 मिनट में आता हूँ आपको फिर मैं बताता हूँ कि क्या वो जुगाड़ क्या है। वो है ये जुगाड़, ये देखिए वैसे तो आता 4 रुपये का, लेकिन रद्दी में इसकी कीमत 1.50 रुपये से ऊपर नहीं होती है। तो ये है जुगाड़, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारी ठंड ये भगा सकता है। दोस्तों जब मैं अपनी ये वीडियो एडिट कर रहा था तो मुझे इस वीडियो में पीछे से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया, यह वही आदमी है जिससे मैं यह न्यूज़पेपर मांग के लाता। ये सज्जन अपने वहाँ गेट पे बैठे हुए थे, तो जब मैंने इनको अपने बताया कि ये एक न्यूज़पेपर मिलेगा तो इन्होंने बड़े अच्छे से मुझे देखा
तो मैं समझ गया कि क्या कहना चाह रहे। मैंने कहा भाई साहब ठंड लग रही है, इसको छाती पे लगा के मैं तवे से जाऊँगा। मैंने इनको बताया तो इन्होंने वहीं अपनी गद्दी के नीचे से एक अखबार निकाल के मुझको दिया। मैं ले गया तो आ गया, लेकिन ये मैंने अब देखा कि ये मेरे पीछे तक आए थे। शायद इन्होंने जब देखा कि हम रिकॉर्डिंग बना रहे हैं और बातें कर रहे हैं तो तब ये वापसी गए। तो ये वही सज्जन है, मुझे वीडियो में देख के अब याद दिखाई दिया कि मैंने कहा मेरे पीछे ऐसे ऐसे कौन आया वहाँ से निकल के। तो इसको करने के बाद, इस जुगाड़ों करने के बाद आप एक सिंगल जैकेट, चाहे उसको विंड चीटर भी बोलते थे जो सिंपल आता खाली सैसी अपार्टमेंट टाइप, वो भी आता है, वो भी काम कर जाएगा। जैकेट नहीं पड़ेगी आपको बिल्कुल भी, आप एक पहनो दो पहनो या बहुत पावरफुल ब्रांडेड जैकेट पहनो कुछ भी पहनो। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। अभी मैंने दो जैकेट पहनी तो थोड़ी मेरी हालत ख़राब है। करना कुछ नहीं है, सिंपल है, ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि शरीर मैंने जा सही से स्टेबल हो नहीं पा रहा। इसको कुछ नहीं करना, सिंपल आपने ये करना है, इसको यहाँ लगाना है और आप चाहे तो इसको पैंट के बेल्ट के नीचे दाब लो कि इससे बिल्कुल ही है फिट हो जाए, नहीं तो आप ऐसे भी रोक सकते हैं। अब ये ऐसा हो गया कि नीचे को सरकेगा भी नहीं और सिंपली इसको करो और ऊपर तक जितना यहाँ तक ला सकते हैं आप ऊपर तक रखें इसे गले तक, वो सिंपल चैन बंद कर दें। अब आपको एक बात बताता हूँ क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत बार करा मैंने, बहुत बार जब भी मैं कहीं फंस जाता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ अब इसको करने के बाद मैं इसको भी उतार दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं आपको ड्राइविंग भी ऐसे ही करके दिखाऊंगा नॉर्मल, और इसके लगाने के बाद आप कहीं चले जाओ, कैसी हिल स्टेशन में चले जाओ, कितनी ठंड में चले जाओ, कभी ठंड पार हो ही नहीं सकती क्योंकि ये पेपर है, इसमें एयर पास नहीं होती। तुम्हारी जैकेट क्या होती है कि इस पे जब हवा टकराती है तो ये ठंडी हो जाती है, कूल हो जाती है। इसके साथ साथ हम एक कपड़ा पहन ले, दो कपड़ा पहन ले, तीन कपड़े पहन ले, सारे के सारे कूल होते चले जाते हैं और ठंडक अंदर महसूस होने लगती है और एयर भी पास हो जाती है। लेकिन क्या है, अब ये प्लेन पेपर लगा दिया हमने अखबार, तो उससे क्या हुआ कि एयर पास नहीं हो पाती और ये ठंडा भी नहीं हो पाता। तो दूसरे जो इसके नीचे कपड़े होते हैं उनको ठंडा नहीं होने देता है और आप फुल स्पीड में बाइक चला सकते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आप भी करके देख सकते हैं। अभी हमने कर दिया है, अब कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं इसको बंद ही नहीं करूँगा। ठंड लग चुकी है बहुत, गया गला भी दिख गया, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हेलमेट है, सर बचा लेगा, मेनली ठंड लगती है बाइकर्स को छाती पे या जांघ पे। तो हमने अपनी छाती का जुगाड़ कर लिया है, आपको कहीं लंबा जाना तो आप यहाँ भी लगा सकते हैं, नॉट डजंट मैटर, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब आप बाइक चलाते हैं। तो अभी हम चलते हैं और ये अब ओपन ही रहेगा। बैठो आप, आओ बैठो आप, हम ऐसे ही चलेंगे, अभी हमें कोई ठंडी लगेगी। आप इसे अब आप देखिए, मैंने कुछ नहीं अब ओपन कर रखी है, मौसम वही है, सब काम वही है, बाइक वही है, हम वही हैं, और मैं कह सकता हूँ रियली में बिल्कुल कसम से कह सकता हूँ कि ठंड नाम मात्र को भी नहीं लग रही है। जो पहले ठंड लगी हुई है देखिए वो तो थोड़ी महसूस है, बाकी मेरी चेस्ट पे हल्की सी भी ठंड नहीं लग रही है, रत्ती भर भी ठंड नहीं लग रही है। तो आप ये नुस्खा आजमा सकते हैं, कभी भी आजमा लीजिए, आज मौसम अच्छा है, तब तक मेरी वीडियो आप तक पहुँचती है, आप रोड पे जाएं और इस नुस्खे को आजमा कर देख सकते हैं। हमने आजमाया है, 100% कारगर है, तो आप भी आजमा सकते हैं। कुछ डर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ठंड नहीं लग।
जैकेट सही कर दी। तो दोस्तों ये था बिल्कुल सस्ता टिकाऊ मजबूत जुगाड़ ठंड भगाने का। तो आपकी मेरी आपको यह जानकारी और यह वीडियो मेरी कैसी लगी इसका आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए आपका कमेंट, मैं जैसे हर बार वीडियो में बोलता हूँ कि आपका जो कमेंट होते हैं वो मेरे लिए एनर्जी का काम करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो की जानकारी और ऐसी ही मस्त मस्त जानकारी आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगी। और जैसी ही कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको एकदम से नोटिफिकेशन जानकारी भी मिल जाएगी। तो उसके लिए आप बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस कर लें।